और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के एक और एपिसोड में, नॉट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से, यानी कि 3-4 सालों से अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर तो छा ही रहे हैं। 2019 में उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक फिल्म, उनकी 200 करोड़ गई थी एक्सेप्ट केसरी के, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड गाइस, सिर्फ थिएटरिकली नहीं बल्कि OTT की भी बात करें एंड ऑनलाइन की बात करें तो गाइस, उनकी फिल्में जैसे कि हाउसफुल 4, लक्ष्मी, दे हैव ब्रोकन सैटेलाइट रिकॉर्ड्स। एंड यूट्यूब की तो क्या कहने, चाहे वो ट्रेलर लिस्ट हो या वो सॉन्ग लिस्ट हो, सब जगह अक्षय कुमार का परचम लहरा रहा है। तो गाइज, OTT कैसे पीछे रह सकता था, यानी कि नेटफ्लिक्स। देखिए गाइज, नेटफ्लिक्स में एंड बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये अंतर रहता है कि आप जितना पैसा अन्य प्लेटफॉर्म्स को एक साल के लिए देते हो, वो आपको नेटफ्लिक्स एक महीने पे देना पड़ता है। नेटफ्लिक्स में भी एक महीने का जो होता है पैक, उसमें ऑब्वियसली 480p रहता है। फिर अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो आपको उससे महंगा वाला कराना रहता है। नेटफ्लिक्स इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड उस पर ग्लोबल कंटेंट तो चिक्कार भरा हुआ है। जब इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारा एक इंडियन मूवी जाती है जिसने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विश्व भर के सिनेमाघरों में रौनक ला दी थी, देन गाइज एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। अब गाइज, आज के एपिसोड में मैं आपको सभी लोगों को बताने वाला हूँ सूर्यवंशी ने OTT यानी कि नेटफ्लिक्स पे किस तरह से परफॉर्म किया, क्योंकि गाइज सब लोग पूछ रहे थे कि सूर्यवंशी के व्यू काउंट बताइए, ये बताइए, वो बताइए। देखिए गाइज, बहुत सारे मेकर्स रहते हैं जो अपने पहले दिन के जो फिगर्स रहते हैं वो रिवील करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली बॉब विश्वास आई थी, उन्होंने अपने फिगर्स रिवील किए जी वालों ने, फिर धमाका आई थी, उन्होंने अपने रिवील किए। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सूर्यवंशी वाले डिस्पाइट गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन नेटफ्लिक्स, ये रिवील नहीं किया। देखिए गाइज, दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी होगी। ये अक्षय कुमार की फिल्म है उतना मुझे पता है, लेकिन दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टू OTT रिलीज। अगर डायरेक्ट टू OTT रिलीज होती है, ये नंबर आते तभी भी लोग कहते वाह क्या नंबर्स आए हैं। डिस्पाइट दैट, ये फिल्म डायरेक्ट OTT नहीं है, ऑलमोस्ट 30 दिनों के बाद, वो भी कैसे, एक ऑलमोस्ट सुपर हिट फिल्म जिसने ऑलमोस्ट इंडिया में 190 प्लस करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड 290 प्लस करोड़ का बिजनेस कर लिया, वो फिल्म जब OTT पर जा रही है, देन गाइस इतनी उम्मीदें नहीं रहती कि फिल्म इतने अच्छे व्यूज लाएगी। लेकिन डिस्पाइट दैट, अब मैं आपके सामने नेटफ्लिक्स का जो वीकली रिपोर्ट होता है, फ्रेंड्स ये रिपोर्ट जो है वो फिलहाल नेटफ्लिक्स व्यूअरशिप फॉर द वीक ऑफ November 29 to December 5, 2021, जो कि नॉन इंग्लिश फिल्म्स है, वहां पर सूर्यवंशी ने नंबर 5 पर डेब्यू किया। यस फ्रेंड्स, नंबर 5 पर डेब्यू किया है, जहां पर इसे ऑलमोस्ट 7.11 मिलियन आवर्स, यस फ्रेंड्स 7.11 मिलियन घंटों की व्यूअरशिप मिली है। अगर हम इसे व्यूअर्स में तब्दील करें तो लगभग 3 मिलियन लोगों ने सूर्यवंशी को नेटफ्लिक्स पर देखा है। देखिएगा, नेटफ्लिक्स इज नॉट अ फ्री प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स इज नॉट अ प्लेटफॉर्म वेर यू गेट एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। येस, यू गेट एनुअल सब्सक्रिप्शन इन नेटफ्लिक्स, लेकिन उनके कॉस्ट बहुत हाई रहते हैं। नेटफ्लिक्स का एक मंथ का सब्सक्रिप्शन दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ईयरली सब्सक्रिप्शन रहते हैं। इसके बावजूद सूर्यवंशी डेब्यूटिंग ऑन द 5th नंबर, यस फ्रेंड्स नंबर 5 पर डेब्यू किया है सूर्यवंशी ने। एंड ये जो लिस्ट है 29 नवंबर से 5th दिसंबर की है। ये सूर्यवंशी जो है वो गाइस नेटफ्लिक्स पे आई थी 3 तारीख को, यानी कि 3, 4, 5, केवल 3 दिनों में इस फिल्म ने ऑलमोस्ट लगभग 7.1 मिलियन आवर्स का व्यूअरशिप हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। बात करो अन्य फिल्मों की, तो अन्य फिल्म ऐसे कि धमाका है, धमाका ने अब तक का ओनली 11.4 मिलियन का जो व्यूअरशिप है इन आवर्स वो हासिल किया। यानी कि देख सकते हो किस तरह से सूर्यवंशी जो है वो व्यूअरशिप के मामले में कितनी आगे गई है। ऑब्वियसली मेकर्स ने इस बार हुहा शूशा नहीं किया, जो कि उनको करना चाहिए था, क्योंकि इतनी अच्छी व्यूअरशिप मिली है, डेफिनेटली द वर्ल्ड शुड नो। ऑब्वियसली नंबर 1 पे स्पॉइल्ड ब्रैट्स है, नंबर 2 पे द होल ट्रूथ है, नंबर 3 पे ग्रीन स्नेक है, नंबर 4 पे मोर द मेरियर है, नंबर 5 पे यहाँ पर सूर्यवंशी है, 9th नंबर पे ऑब्वियसली धमाका है। धमाका का ऑब्वियसली ये 3rd वीक चल रहा है एंड सूर्यवंशी का ये 1st वीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों का यहाँ पर डेटा आया। सो गाइस, ये बहुत बड़ा डेटा है एंड सूर्यवंशी डिस्पाइट बीइंग अ थिएट्रिकल रिलीज ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया। ऑब्वियसली गाइस, अगर हम कंपेयर करें बाकी की नेटफ्लिक्स रिलीजेस से जो कि डायरेक्ट टू नेटफ्लिक्स है, ऑब्वियसली उनकी व्यूअरशिप ज्यादा ही रहती है। ओके, आई होप गाइज आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपसे पसंद है एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वामरन साई साइनिंग ऑफ। लेट्स सी एक हफ्तों के बाद सूर्यवंशी कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करता है नेटफ्लिक्स पर एंड क्या इसके मेकर्स इसके जो व्यूज है उनको पब्लिक करते हैं। फिलहाल रोड टू 200 करोड़ हमारा चलता रहेगा साइड बाय साइड, जिनके एपिसोड आप हर शाम को देख सकते हो हमारे चैनल पर। स्टे कूल मैन।